आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाटर कलर पोर्ट्रेट। वाटर कलर पोर्ट्रेट कैसे ड्राइंग बनाते हैं पहले वो हम दिखाएंगे। तो जिसका हम ड्राइंग बना रहे हैं वो मेरे बहुत खास हैं, वो मेरे वाइफ हैं। तो हमारे 2 दिनों में एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट बना के उसे गिफ्ट करूँ। तो इसी दौरान मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सब अपना अपना तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं जैसे करता हूँ मैं अपना तरीका आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें, आप लोग को सीखने का कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा मतलब आप लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप लोग भी खुद अपना पोर्ट्रेट बना पाएंगे, अपना घर का किसी का भी पोर्ट्रेट बना पाएंगे। तो देखिए एंड तक देखिए, मेरे चैनल को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्योंकि देखिए ये वीडियो 2 पार्ट में बढ़ने वाला है। ये 1st पार्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे ड्राइंग बनाते हैं और 2nd पार्ट में हम दिखाएंगे कि कलर कैसे करते हैं। तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोर्ट्रेट। देखिए ये पोर्ट्रेट आज हम बनाएंगे, ये मेरा वाइफ का फोटो है। तो मैंने पेज थोड़ा बड़ा लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। पहले हम ड्राइंग करेंगे उसके बाद पेज को काट लेंगे। तो पहले मेजरमेंट बहुत मस्ट है। देखिए सर का ऊपर से उसका मतलब नीचे का फेस का नीचे का पोर्शन तक कितना साइज़ है और पेज में कैसे उसका साइज मेजरमेंट करें, मतलब पेज में तो बड़ा आएगा वो वाला ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो बड़ा आएगा। तो कैसे उसको मेजरमेंट करना है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए उसका सर का जो लाइन है मैंने पेंसिल से दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ से उसका आइज तक हम नाप ले रहे हैं। देखिए पेंसिल से तो पहले हम पेज में धागी ले लिए कि वहाँ से हम मैं सर का ऊपर से स्टार्ट करूँगा। तो इसका पोर्ट्रेट का सर का ऊपर फोटो का सर से हम पेंसिल से नाप रहे हैं। देखिए 2 हिस्सों में बढ़ रहा है। देखिए ऊपर सर से उसका आइज तक मैंने 1 नाप लिया है। देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, उसका सर का ऊपर से आइज तक हम पेंसिल से नाप ले लिए। अभी उसका आइज से नीचे पोर्शन तक, देखिए उसका फेस का एंड तक, मतलब 2 पार्ट 1st एंड 2nd, मतलब 2 पार्ट में पूरा फेस आएगा। तो अभी मेरे ड्राइंग शीट में फेस का कितना दूर कितना बड़ा हम फेस करेंगे उस हिसाब से वैसे ही 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो देखिए मैं पेंसिल का सिरा पकड़ा और थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, इसलिए थोड़ा बड़ा कर लिया यहाँ तक 1st 2nd, यहाँ पे मेरा फेस एंड होगा नीचे का पोर्शन में 2nd। ये बीच में आएगा उसका आइज, उसका आँख आएगा बीच का लाइन में। मैं जो हल्का से लाइन दे रहा हूँ कैमरा में आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, और ये नीचे का पोर्शन, तो इतना बड़ा मेरा फेस बनेगा 1st एंड 2nd। ये मिडिल का पोर्शन में उसका आँख बनेगा, और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये उसका नाक फोरहेड तक ये सीधा है कि नहीं है। तो लगभग ये पूरा बिल्कुल सीधा ही है, और इस साइड में भी आँख आईब्रो ये सब सीधा ही है। अभी देखिए मैं जूम करके उसका लेफ्ट साइड का आइज बना रहा हूँ। मैं जहाँ पे उसका मेजरमेंट किया था बीच में वो वाला लाइन का साइड में उसका लेफ्ट आइज हम बना रहे हैं। तो अभी लेफ्ट आइज तो मैंने बना लिया, लेकिन देखिए लेफ्ट आइज का हम पेंसिल से नाप ले रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो आइज उसका बनेगा राइट साइड का, वो वाइज इस आइज से कितना दूरी पे है, इसलिए मैंने पहले लेफ्ट साइड का आइज का नाप लिए और अभी उसका गैप का नाप ले रहे हैं। देखिए तो लगभग सेम साइज़ का है। तो अभी मैं ड्राइंग शीट में जो आइज उसका बनाया है वो
वो आइज का भी सेम साइज का गैप छोड़ के नेक्स्ट आइज उसका बनाएंगे। मैंने धागे ले लिया नाप के, तो अभी नेक्स्ट आइज भी कितना दूरी पे है मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट आइज का भी ड्राइंग हम बना लेंगे। अभी हम उसका नाक बनाएंगे, तो फिर से लेफ्ट आइज का नाप लिए और नाक का भी नाप लिए। तो ड्राइंग शीट में देखिए, मैंने लेफ्ट आइज का नाप लेके आँख का बीचों बीच में से नीचे नाक का क्या साइज आएगा, आँख का बीचों बीच में से देखिए नाक का क्या साइज आएगा, वो साइज हम पहले ले लिए। अभी उस हिसाब से हम उसका नाक बनाएंगे। देखिए आप लोग प्रैक्टिस मस्ट कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप लोगों का भी हाथ उतना अच्छा आएगा, मतलब ड्राइंग आप लोग अच्छा बना पाएंगे। हम अपना प्रोसेस बता सकते हैं, ड्राइंग नहीं सिखा सकते, आपको कोई भी ड्राइंग नहीं सिखा सकता, सिर्फ प्रोसेस आपको बता सकता है कि बोल सकता है। तो प्रैक्टिस मस्ट, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से इतना जल्दी आप लोगों का मतलब ड्राइंग सीख पाएंगे। तो अभी देखिए मेरा नाक हो गया, अभी उसका आईब्रो हम बना रहे हैं। तो आईब्रो का नाप भी आप लोग ले सकते हैं वैसे सेम प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे नाप फिर से नहीं लिए क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो गया है। आँख नाक बनने के बाद बहुत आसान बन जाता है ड्राइंग, मतलब आसान लगने लगता है। आँख नाक जब बन गया अब लगेगा कि बहुत आसान है ड्राइंग। तो और वो भी मेन मतलब हिस्सा है फेस का। अभी देखिए हम सीधा ऐसे लाइन देख लिए, लाइन देखे कि इसका आईब्रो दोनों सीधा है कि नहीं। तो सीधा हम कैसे मालूम पड़ रहा, देखिए मोबाइल स्क्रीन का मतलब जहाँ लाइन है ऊपर फोटो का लाइन से देखिए एकदम सीधा ही है। हम जूम जब कर रहे हैं दोनों आईब्रो एक ही साथ उसका स्क्रीन का ऊपर टच हो रहा है, तो इसलिए मैंने देखा कि सीधा है कि नहीं। अभी इसका होंठ कितना दूरी पर है उसका हम डिस्टेंस देखें। लेफ्ट आइज का नाप लिए और फर्स्ट सेकंड पोर्शन में इसका होंठ का बीच का लाइन है, मैंने मोबाइल में उसको नापा है, नाप के देखा और अभी उसका सेकंड बीच का पोर्शन में उसका होंठ का बीच का लाइन आएगा, देखिए 1। और अभी होंठ का साइज कितना बनेगा, देखिए बीच में से लेफ्ट उसका आइज का जो साइज है उस साइज में आँख का भी साइज है, मतलब होंठ का बीच में से लेफ्ट तक उसका आँख का साइज। अभी राइट साइड में जो है बीच से वो आँख लेकिन साइज में छोटा है, तो वो पेंसिल से हम देख लिए उसका। देखिए मैंने मेरा आँख का साइज जो है उस साइज से उसका बीच एकदम मिडिल से लेफ्ट में इतना दूर उसका होंठ बनेगा और राइट साइड में वो थोड़ा कम बनेगा। तो अभी उसका हम वैसे ही साइज लेके उसका होंठ भी बना लेंगे। अभी देखिए मोबाइल में बहुत मतलब फैसिलिटी मिल जाता है जूम करके ऐसे देखने का, लेकिन मैं जब सीखा था ड्राइंग तो तब मतलब मोबाइल उतना नहीं था, बहुत मार्केट में कम था, मतलब सबके पास अवेलेबल मोबाइल नहीं था। तो तब मेरे सर हमको सिखाया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख के करते थे, फ़ोटो ले लेते थे, फ़ोटो को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के धीरे 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 करते थे। लेकिन अभी देखिए जूम करके मोबाइल में बहुत आसानी, मोबाइल अभी सबके पास होते हैं। आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिए, ऐसे ही कीजिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा करने में। अभी देखिए इसका लेफ्ट पोर्शन का हम नाप ले रहे हैं आइज का नाप से, लेफ्ट आइज 1 2, मतलब ये जो साइज है आँख का उस साइज का 1 2। यहाँ पे उसका कान का आगे का पोर्शन बना है, मोबाइल का मैंने लाइन मापा है और ये उसका एंड पोर्शन। वैसे ही सेम राइट साइड में भी हम देख लेंगे कितना दूरी पे है ये उसका मतलब फेस का साइड का राइट साइड का पोर्शन कितना दूरी पे है वो हम देखेंगे, जस्ट आँख से थोड़ा ही दूरी में है। तो देखिए 4 पॉइंट मुझे मिल गया, पहले फर्स्ट और सेकंड ऊपर और नीचे मैंने पहले ही दिया था और अभी
लेफ्ट और राइट भी मिल गया, अभी चार पॉइंट मुझे मिल गया, अभी इसी जगह में मुझे इसका फेस कंप्लीट करना है बना के, तभी फिर से हम धीरे धीरे देख के बनाएंगे। और देखिए मेरा गलती हुआ, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इसीलिए देखिए हम आपको यहाँ पे एक तो टिप्स बता देते हैं, वाटर कलर पेपर में ड्राइंग बिल्कुल हल्का से कीजिएगा, क्योंकि इसमें मतलब गलती सबसे होता है, मुझसे भी हुआ है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैंने एडिटेड वीडियो है, गलती को मैंने काट दिया है, तो ये रह गया था आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया, तो इरेज कर पाए इतना ही हल्का ड्राइंग बनाए, ज़्यादा डार्क लाइन बनाएंगे तो इरेज करते वक्त आपका पेपर ख़राब होगा, और वाटर कलर पेपर ख़राब हो जाएगा तो उसमें जब आप पानी या कलर डालेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए एकदम हल्का ड्राइंग बनाएंगे और मतलब कोशिश करेंगे कि बहुत कम इरेज हो, गलती कम हो, और अगर ज़रूरी है तो इरेज करना है कोई बात नहीं है, गलती सबसे होता है, तो ड्राइंग को एकदम हल्का बनाइएगा, इतना हल्का बनाइएगा कि इरेजर से इरेज हो जाए। हैंडमेड पेपर बहुत राफ होता है, तो राफ पेपर का ऊपर ड्राइंग करके मतलब इरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए सावधानी से कीजिए, हो जाएगा कोई बात नहीं। अभी मेरा ड्राइंग देखिए बन गया, और इरेजर से जो एक्स्ट्रा लाइंस थे सब हम मिटा रहे हैं, तो मेरा ड्राइंग बन के कम्प्लीट हो गया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट टू ज़रूर देखिए, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको सेकंड पार्ट आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे कि इसका कलर हम कैसे करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं।